आप अपना नाम? सुनीता कुमार। और जोर से बोलिएगा। सुनीता कुमार। किस जिले से बिलोंग करते हैं? बक्सर जिला। बक्सर जिला से। आपको हमारे ट्रेनिंग सेंटर के बारे में जानकारी कब मिली थी? पीटी के बाद। पीटी के बाद फिजिकल के दौरान सेंटर पे पटना के पटना में है ना। ये सुनीता कुमारी जी हैं और इनको हमारे ट्रेनिंग सेंटर की जानकारी फिजिकल के दौरान मिली थी। वहाँ पे हमारे कैंडिडेट लोग पैम्पलेट वगैरह दे रहे थे है ना, पैम्पलेट के माध्यम से। प्रियंका नाम की लड़की जी। तो फ्रेंड रियली है ना, फ्रेंड ने इनको बताया था, फ्रेंड ने इनको गाइड किया था कि वहाँ पे बेहतर ट्रेनिंग होती है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। आप ये बताइए कि आपको जैसा बताया गया आपकी फ्रेंड के द्वारा कि वहाँ पे ट्रेनिंग बेहतर होती है, आप बताइए कि उससे बेहतर ट्रेनिंग यहाँ मिल रही है, उससे खराब ट्रेनिंग मिल रही है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग मिल रही है। अब आपको गाड़ी चलाना बिल्कुल नहीं आता था जैसा कि आपने बताया था, आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा है? बहुत कुछ सीखा है। अभी आपने आप यहाँ कितने दिन से ट्रेनिंग कर रही हैं? तीन दिन हुआ है। तीन दिन में लगता है कि कुछ सीख सकती हैं? आप ये बताइए कि और कैंडिडेट, जैसा कि मैं जानता हूं और आपको भी पता होगा कि होम का ड्राइवर में 16 कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट जिनका फिजिकल कंप्लीट हुआ है, 16 कैंडिडेट ड्राइविंग के लिए क्वालिफाई हुई है। तो आप ये बताइएगा या उन कैंडिडेट के लिए कुछ सलाह देना चाहिएगा जो आगे आने वाले कैंडिडेट हैं, 16 कैंडिडेट उनके लिए क्या कहना चाहिएगा उनके लिए? अच्छा, जोर से बोलिएगा ताकि वो सुने और वीडियो के माध्यम से प्रभावित हों और हमारे ट्रेनिंग सेंटर से जुड़े। जोर से बोलिएगा। बहुत ही अच्छा सिखाया जा रहा है सर जी। इनका कहना है कि अच्छा सिखाया जा रहा है। और उन कैंडिडेट को क्या कहिएगा, ट्रेनिंग सेंटर से जुड़े या नहीं जुड़े? जुड़ी है। ट्रेनिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चाहिए सर, बिल्कुल। जितना गाड़ी आपको तस्वीर में जो भेजा गया था, माहौल वीडियो में भेजा गया था, माहौल ट्रेनर का तस्वीर दिखाया गया था, ट्रेनिंग के लिए वीडियो दिखाए गए थे, ट्रेनिंग के लिए गाड़ियाँ दिखाई गई थी, वो सब गाड़ियाँ अवेलेबल हमेशा 24 घंटे रहती है कि नहीं रहती है? 24 घंटे, जैसा कि फोन पर बताया जाता है कैंडिडेट को कि 24 घंटे हमारे सेंटर में सभी गाड़ियां मौजूद रहती है। सभी गाड़ियां 24 घंटे मौजूद रहती है कि नहीं रहती है? बिल्कुल रहती है। चलिए, तो आप यहां के ट्रेनिंग से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। जैसा कि आप सुन सकते हैं हमारे अभी 10 कैंडिडेट हमारे सेंटर में मौजूद हैं और 10 के 10 कैंडिडेट यहां के ट्रेनिंग से काफी खुश हैं। जैसा कि ये इन्होंने वीडियो में जैसा देखा था उससे बेहतर माहौल मिल रहा है। वीडियो पुरानी थी, ट्रेनिंग सेंटर का वीडियो पुराना था, ट्रेनिंग सेंटर डेवलप नहीं कर पाया था उस समय। आप लोगों का इतना रिजल्ट हुआ, इतना प्यार मिला, अभी ट्रेनिंग सेंटर डेवलप कर गया, काफ़ी बेहतर माहौल यहाँ का है। हॉस्टल में सभी चीज़ों की सुव्यवस्थित व्यवस्था कर दी गई है। और ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग में कभी कोताही इस सेंटर के द्वारा नहीं बरता गया है। सबसे बड़ी बात, रहने में खाने में पुरानी बहाली में यहाँ पर बहुत दिक्कत होती थी है ना, बहुत दुख के आपके स्टूडेंट रिजल्ट किए हैं। आप लोग के लिए तो टॉप क्लास रूम और मेस का सुविधा कर दिया गया है ना। लेकिन आपके दोस्त प्रभाकर जी, आपके दोस्त जमीन पर सो के रिजल्ट किए हैं इस सेंटर से। बहुत दुख काटना पड़ता था यहाँ के कैंडिडेट को रिजल्ट करने के लिए, लेकिन रिजल्ट हो जाने के बाद सब गदगद हो जाते थे, खुश हो जाते थे। बात समझ में आ रहा है? मेन मुद्दा क्या होना चाहिए? रिजल्ट और ट्रेनिंग। बात समझ में आया? मेन मुद्दा क्या होना चाहिए? रिजल्ट और ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग सेंटर में कभी भी किसी कैंडिडेट को दिक्कत नहीं आई है, आप सभी को भी दिक्कत नहीं आई। जैसा माहौल आपने वीडियो में देखा, जितनी गाड़ियां देखी उससे ज्यादा गाड़ी यहाँ देखने को मिल रही है, उससे बेहतर ट्रेनिंग मिल रही है, ये सब आप लोग भी जानते हैं, आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से कहा भी। तो आने वाले कैंडिडेट को मैं यही कहना चाहूंगा, जो कैंडिडेट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, कि जितने भी कैंडिडेट हैं आप लोग देख सकते हैं कि जितने कैंडिडेट हैं सब अलग अलग जिले से यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं। अभी मात्र 2 दिन बैच चला है और आज तीसरा दिन है, 10 कैंडिडेट ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। और जितने भी कैंडिडेट होम का ड्राइवर में जिनका सिलेक्शन हुआ है, मेल या फीमेल, ड्राइविंग प्रैक्टिस ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। वो ट्रेनिंग सेंटर से जुड़े, अपने बेहतर भविष्य के लिए हमारे ट्रेनिंग सेंटर से जुड़े, अपना रिजल्ट करें। धन्यवाद।